दोस्तों आज हम आपसे एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को टाई पहनना सिखाया। ये वही देश है जिसने ये बताया कि चावल से चॉकलेट कैसे बनाई जाती है और इस देश की महिलाओं को बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भूमध्य सागर और मध्य यूरोप के बीच में स्थित एक सुंदर देश क्रोएशिया, जिसे रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया भी कहा जाता है। इस कंट्री की राजधानी जग्रेब है, जो क्रोएशिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दोस्तों इस देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोएशियन है, जो यहाँ के 90% लोगों द्वारा बोली जाती है। दोस्तों आबादी के लिहाज से क्रोएशिया विश्व में 130वें नंबर पर आता है और यहाँ की कुल जनसंख्या 40,20,000 के करीब है। वैसे इतनी कम जनसंख्या को सुनकर आप चौंक गए होंगे ना, क्योंकि हमारे देश में तो इतनी कम जनसंख्या केवल एक शहर में ही मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस देश की एरिया की, जो कुल 56,594 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश विश्व में 127वें नंबर पर आता है। आपको बता दें, इस खूबसूरत देश का केवल 1.09% हिस्सा ही पानी से घिरा हुआ है, जबकि 45% हिस्से में सिर्फ जंगल ही जंगल हैं। जी हाँ, इस देश में हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है। आपको बता दें, HDI इंडेक्स के मुताबिक यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह देश खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को क्रोएशियन कोना कहा जाता है और एक क्रोएशियन कोना की कीमत भारत के 11 रुपए के आसपास है। दोस्तों अगर क्रोएशिया देश की पहचान की बात की जाए, तो हमारे देश में ऐसे कम लोग ही हैं जो इस देश के बारे में जानते हैं। आपको बता दें, इस देश की असली पहचान पूरी दुनिया के सामने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी। भले ही फाइनल मैच के दौरान ये कंट्री फ्रांस से हार गई हो, लेकिन इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि फीफा के फाइनल में इनका रुतबा कितना बड़ा है। दोस्तों अब हम आपको क्रोएशिया के बारे में एक मजेदार बात बताने वाले हैं, जो कि है यहाँ की ब्यूटीफुल वोमेन के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही सुंदर लड़कियाँ पाई जाती हैं। वैसे आपको बता दें, इस देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी काफी ज्यादा है। एक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 928 पुरुषों में 1000 महिलाएं पाई जाती हैं। दोस्तों गर्मियां शुरू होते ही लोग अपने अपने घरों में एसी रिपेयर करवा लेते हैं और जिनके पास नहीं होता वो खरीदने की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन क्रोएशिया एक ऐसा देश है जहां एसी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यहां टेम्परेचर 39 डिग्री पहुंचने के बाद भी लोग एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे सबसे ज्यादा जुकाम और परेशानी होती है। वैसे दोस्तों ऑफिस में कोई मीटिंग हो या गर्लफ्रेंड की डैडी को पटाना हो, लड़के सूट के साथ टाई को पहनना कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि टाई खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। लेकिन शायद कम लोग ही ये जानते हैं कि इस परफेक्ट लुक को बनाने वाली इस टाई की शुरुआत इसी देश से हुई थी। दोस्तों खाने पीने के मामले में क्रोएशिया के लोग चीन से काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉन वेज को पसंद किया जाता है। खाने के साथ साथ क्रोएशिया के लोग दारू पीने के बड़े शौकीनी होते हैं। जी हाँ, खुशी हो या गम, हर मौके पे यहाँ के लोग दारू दबा के पीते हैं। दोस्तों चॉकलेट तो आप सभी खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल से चॉकलेट बनाने का आविष्कार क्रोएशिया में ही किया गया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इस छोटे से देश में 1000 से भी ज्यादा आइलैंड हैं। दोस्तों क्रोएशिया 25 जून 1991 को युगोस्लाविया से आजाद होकर दुनिया के सामने आया था। हालांकि दोस्तों इस देश ने आजादी के बाद से काफी तरक्की कर ली है। दोस्तों क्रोएशिया में आपको घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मिल जाएगी। यहाँ सालों भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है और पर्यटन ही इस देश की इनकम का सबसे बड़ा जरिया है। दोस्तों क्रोएशिया के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार ये सामने आया है कि यहाँ के लोग दूसरी भाषाओं को सीखने में बड़े रुचि रखते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग किसी दूसरे देश की भाषा को आसानी से बोल और समझ सकते हैं। दोस्तों आपने दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो जरूर सुना होगा, जो चीन की और पूरी दुनिया की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रोएशिया में मौजूद स्टोन वॉल दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में शुमार की जाती है, जिसकी टोटल लंबाई 7 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।